निबंध लेखन की श्रृंखला में हमारे आज के निबंध का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण, कारण, दुष्प्रभाव एवं निवारण। पॉलीबैग को कभी न समझो दोस्त, पॉलीथिन है शहर की गंदगी का प्रमुख स्रोत। प्रकृति एवं मानव ईश्वर की अनमोल एवं अनुपम कृति है। प्रकृति अनादि काल से मानव की सहचरी रही है, लेकिन मानव ने अपने भौतिक सुखों एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसके साथ निरंतर खिलवाड़ किया और वर्तमान समय में यह अपनी सारी सीमाओं की हद को पार कर चुका है। स्वार्थी एवं उपभोक्तावादी मानव ने प्रकृति यानी पर्यावरण को पॉलीथिन के अंधाधुंध प्रयोग से जिस तरह प्रदूषित किया और करता जा रहा है, उससे संपूर्ण वातावरण पूरी तरह आहत हो चुका है। आज के भौतिक युग में पॉलीथीन के दूरगामी दुष्परिणाम एवं विषैलेपन से बेखबर हमारा समाज इसके उपयोग में इस कदर आगे बढ़ गया है मानो इसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। वर्तमान समय को यदि पॉलीथीन अथवा प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व में यह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और दुनिया के सभी देश इससे निर्मित वस्तुओं का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से बना है, जिसका सीधा तात्पर्य है आसानी से नमनीय पदार्थ जो किसी भी आकार में ढाला जा सके। 1970 के दशक में इसका उपयोग औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। अपनी विविध विशेषताओं के कारण प्लास्टिक आधुनिक युग का अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ बन गया है। टिकाऊपन, मन भावन रंगों में उपलब्धता और विविध आकार प्रकारों में मिलने के कारण प्लास्टिक का प्रयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। आज यह हमारे दैनिक उपयोग की वस्तु बन गया है। गृहोपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि, चिकित्सा, भवन निर्माण, विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों और सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। आधुनिक समाज में प्लास्टिक मानव शत्रु के रूप में उभर रहा है। समाज में फैले आतंकवाद से तो छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु प्लास्टिक से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। यह प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं प्रकृति में विलय नहीं हो पाती है, यानी यह बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। खेत खलिहान जहां भी यह होगा वहां की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और इसके नीचे दबे बीज भी अंकुरित नहीं हो पाएंगे, अतः भूमि बंजर हो जाती है। इससे बड़ी समस्या नाली अवरुद्ध होने को आती है। जहां तहां कूड़े से भरी पॉलीथीन वातावरण को प्रदूषित करती है। खाने योग्य वस्तुओं के छिलके प्लास्टिक में बंद कर फेंके जाने से पशु इनका सेवन पॉलीथीन सहित कर लेते हैं, जो नुकसानदेह है और यहां तक कि पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। जहां जहां भी मानव ने अपने पांव रखे वहां वहां पॉलीथीन प्रदूषण फैलाता चला गया। यहाँ तक यह हिमालय की वादियों को भी दूषित कर चुका है। यह इतनी मात्रा में बढ़ चुका है कि सरकार भी इसके निवारण के अभियान पर अभियान चला रही है। सैर सपाटे वाली सभी स्थान इससे ग्रस्त है। प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अब तक 3 उपाय अपनाए जाते रहे हैं। आमतौर पर प्लास्टिक के ना सड़ने की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे गड्ढों में भर दिया जाता है। दूसरे उपाय के रूप में इसे जलाया जाता है, लेकिन यह तरीका बहुत प्रदूषणकारी है। प्लास्टिक जलाने से आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे विषाक्त गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक के निपटान का तीसरा और सर्वाधिक चर्चित तरीका प्लास्टिक का पुनः चक्रण है। पुनः चक्रण का मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट से पुनः प्लास्टिक प्राप्त करके प्लास्टिक की नई चीजें बनाना। प्लास्टिक के पुनः चक्रण का काम बहुत कम किया जाता है। इसका मुख्य कारण पुनः चक्रण प्रक्रिया का महंगा होना है। प्लास्टिक जनित प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारें भी प्रयासरत है और इसे रोकने के लिए कई राज्यों में अधिनियम बनाए जा चुके हैं, तो कई राज्यों में इन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे देश में कानूनों की तो कमी नहीं है, कमी है तो बस उन्हें सख्ती से लागू करने की। प्लास्टिक बैग से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को कम करने की दिशा में हर इंसान कुछ बेहद ज़रूरी कदम उठा सकता है। प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान की जानकारी अपने आप में ना काफ़ी है, जब तक इसके नुकसान जानने के बाद ठोस कदम ना उठाए जाए। सरकार और पर्यावरण संस्थाओं के अलावा भी हर एक नागरिक की पर्यावरण के प्रति कुछ खास जिम्मेदारियां हैं।
जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो पर्यावरण को होने वाली हानि को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। खुद पर नियंत्रण इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलिथीन का छोड़ना होगा विकल्प, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त राष्ट्र की हो कल्पना, पॉलीबैग डिस्पोजल को हर हाल में होगा त्यागना। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। धन्यवाद।